हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा दुरत्ने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे सेट्स एंड रिलेशन का एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं और हमें चेक करना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव या नहीं। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या है, R इज इक्वल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB सच दैट A एंड B आर इंटीजर्स एंड ये मैंने लिया A माइनस B इज एन इंटीजर। ठीक है, R ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है AB के A एंड B इंटीजर्स है एंड अगर हम दोनों की सब्सट्रैक्शन करें तो वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो बता देते हैं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वहां ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मींस ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो हो चुका, सिमेट्रिक कब होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी ऐसा होता है तो यहां हमें दिखाना होता है बी रिलेटेड, मींस अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी ये रिलेशन में है तो हमें दिखाना होगा ऑर्डर्ड पेयर बी ए इज आल्सो इन रिलेशन, देन वी से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, मींस ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन वी हैव टू प्रूव ऑर्डर्ड पेयर ए सी, देखो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर and then we say that the relation is transitive. Okay, तो ये हमें दिखाना है। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा है या नहीं। Okay, a minus b क्या चाहिए हमें, integer, let a b c belongs to z, a b तो दिया है, c भी हमने एक extra लिया, third number, let a b c belongs to z, therefore a minus a, a integer है ना, ये जो दो होते हैं यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट दोनों का हमें क्या लेना है, सब्सट्रैक्शन। सो ए माइनस ए क्या हुआ, जीरो, एंड ये क्या है, विच इज इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड मींस सेट ऑफ इंटीजर्स, देखो ना ए रिलेटेड टू ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन। Okay, and for all A belongs to Z, ये for all के लिए सिंबल है, इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हुआ, therefore R is reflexive। Okay, second one, ये रहा first, second now symmetric के लिए हमें चेक करना है, this is first, second symmetric के लिए, तो first हम consider कर लेंगे A related to B, ए कैसा है, रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी ये क्या है, इंटीजर, ए माइनस बी क्या है, इंटीजर, अगर ये इंटीजर है और अगर हम इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी को तो ये फिर से क्या होगा, इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर, कैसे नाम बदल दो, देखो यहां हमें क्या मिलेगा, बी माइनस, माइनस इंटू ए माइनस ए इसलिए रिलेटेड टू बी बिकम्स पॉजिटिव, तो b माइनस ए ये क्या है, इंटीजर, इसका मतलब हमें क्या मिला है, b रिलेटेड टू a, a माइनस b होता है तब हम क्या बोलते हैं, a रिलेटेड टू b, नाउ हियर वी गेट b माइनस a मींस b रिलेटेड टू a, लेकिन आपने इसे इंटीजर कैसे कहा, देखो अगर 2 इंटीजर है तो अगर 2 को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 2 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, इसलिए यहां a माइनस b इंटीजर है उसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया फिर भी वो क्या है, इंटीजर। ठीक है, सो b रिलेटेड टू a, सो हमें क्या मिला है, देयरफॉर a रिलेटेड टू b हमने कंसीडर किया था, इंप्लाइज ये हमें क्या देता है, b रिलेटेड टू a हमें देता है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, ऐसे सभी a एंड b के बारे में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक, एंड नाउ थर्ड वन ट्रांजिटिव चेक करना है, तो कंसीडर क्या करना है, लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ऐसा हमें कंसीडर करना है, ए रिलेटेड टू बी इसका मतलब
माइनस बी प्लस बी माइनस विच इज इक्वल, आप देख सकते हो माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, तो हमें यहाँ मिला है ए माइनस सी। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों की एडिशन की है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी गेट कैंसल, हमें कौन मिला है ए माइनस सी, तो ये भी क्या होगा इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर हम इंटीजर्स की एडिशन ले सब्सट्रैक्शन ले तो फिर से हमें इंटीजर ही मिलता है, तो हमें मिला है ए माइनस सी इज एन इंटीजर, इसका मतलब ए रिलेटेड। ओके हमने क्या कंसीडर किया था, देयरफॉर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज क्या इंप्लाइज करता है ए रिलेटेड टू सी मींस रिलेटेड, इसका मतलब हमारा रिलेशन आर, और ये किसके लिए होल्ड होता है फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके नेक्स्ट सॉल्यूशन सेकंड वन, R is equal to collection of all ordered pairs AB such that A and B are natural numbers and A plus B is even. देखो ऐसे सभी ordered pairs AB को मिल चाहिए जिससे A plus B की अगर हम addition कर ले तो हमें कौन सा number चाहिए even number, ठीक है, so let A B C belongs to M. ठीक है, रिप्लेसमेंट मींस ए की एडिशन ए के साथ, देयरफॉर ए प्लस ए क्या मिला हमें 2a, 2 मींस कौन सा नंबर होता है इवन नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ इज इवन नंबर, इसका मतलब क्या है ए रिलेटेड टू ए, देखो ना एडिशन की है हमने ए की ए के साथ, फिर से हमें 2a मिला है, मींस कौन सा नंबर है इवन नंबर, और वही तो हमें लिखना है, सो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम, ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके नाउ सेकंड, ये था फर्स्ट, सेकंड सिमेट्रिक चेक करना है, लेट ए रिलेटेड टू बी ये हमने कंसीडर किया है, इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस बी इज इवन, अगर a प्लस बी इवन है तो हम बोल सकते हैं b प्लस ए इज ऑल्सो इवन। ओके देखो 2 प्लस 4 क्या मिला 6, ये कौन सा नंबर है इवन, अगर हम 4 प्लस 2 लिख दें तो फिर भी आंसर क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है, सो a प्लस बी इवन है दैट मींस b प्लस ए इज ऑल्सो इवन, इसका मतलब क्या हुआ b रिलेटेड टू a। ओके फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या हुआ हमने कंसीडर किया था a रिलेटेड टू b, हमें मिला है b रिलेटेड टू a, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n मींस ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके एंड नाउ थर्ड वन, क्या दिखाना है ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करना है, देखो लेट a related to b, b related to c, इसका मतलब a plus b is even and b plus c is also even, multiple of 2 होगा, तो इसका मतलब है a plus b is equal to 2m, ऐसा हम बोल सकते हैं, and b plus c is equal to 2m, कोई भी नंबर अगर even होता है तो multiple of 2 होता है, okay, where M and N are natural numbers. Natural numbers क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे set के जो numbers हैं वो natural numbers हैं. ठीक है? तो देखो दोनों के addition कर लेते हैं. A plus B plus B plus C, which is equal to 2m plus 2m. Therefore, A plus 2B plus C, which is equal to 2m plus 2b. Therefore, A plus C is equal to 2m. प्लस टू एम, टू बी यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव होगा, देयरफॉर ए प्लस सी इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं एम प्लस एन माइनस बी, तो देखो ए प्लस सी एडिशन किए और वो टू टाइम्स समथिंग आता है, तो इसका मतलब ए प्लस सी इवन नंबर है, मल्टीपल ऑफ टू है ना तो इवन नंबर है और हमें वही चाहिए था, सो वी गेट ए रिलेटेड टू सी, क्या मिला है हमें ए रिलेटेड, हमने लिया था a related to b, b related to c, and we get a related to c. Therefore, a related to b
collection of all ordered pairs AB such that A and B are natural numbers and A divides B. A divides B means B को हम A से divide कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना है? Let A B C belongs to N. मुझे बताओ, 3 को हम 3 से divide कर सकते हैं, 4 को 4 से divide कर सकते हैं, 5 को 5 से divide कर सकते हैं. इसका मतलब हर element को खुद से हम क्या कर सकते हैं? Divide. तो हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, A divides A. That is ओके like okay, तो ए अगर ए को डिवाइड करता है तो ये तो कंडीशन सैटिस्फाई हुई ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स, देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज रिफ्लेक्सिबल, ठीक है? ये रहा फर्स्ट, देन सेकंड. सिमेट्रिक है यार. लेट ए रिलेटेड टू बी. A related to B means A divides B. आप ऐसा भी लिख सकते हो, that is B like this. A B को divide, ठीक है? A divides B. But मैं यहाँ बोल रही हूँ B is not related to A. मैं ऐसा बोल रही हूँ. क्यों ना? Because B does not डिवाइड्स ए. देखो ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है? ए से बी को हम डिवाइड कर सकते हैं एंड बी बी रिलेटेड टू ए, ऐसा हमें दिखाना है. इसका मतलब क्या होता है? बी से हम ए को डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स ऐसा हमें दिखाना है. और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर छोटा हो, तब ये पॉसिबल हो सकता है. बट यहाँ ये पॉसिबल नहीं. क्यों? देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देती हूँ. एग्जाम्पल A is equal to अगर हम 2 ले लें and B is equal to 4, तो A से हम B को divide कर सकते हैं. Here A divides B. तो ये तो हो गया. Okay. हमें क्या दिखाना है? B related to A. इसका मतलब B से A को हम divide कर सकते हैं यानी. देखो 4 से हम 2 को divide कर सकते हैं क्या? नहीं. Here ऐसा कोई लिख सकते. 4 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज 4 डज नॉट डिवाइड्स, क्योंकि 4 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए हमने यहां लिखा है b इज नॉट रिलेटेड एंड देयरफॉर b इज नॉट रिलेटेड टू a. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक. और इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ ए एंड बी की वैल्यू से, ठीक है? नाउ थर्ड ट्रांजिटिव भी ले लेते हैं. लाइक ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी. इसका मतलब क्या हो? ए डिवाइड्स बी एंड हियर बी डिवाइड्स सी. ए बी को कब डिवाइड कर सकता है? जब b कैसा होना चाहिए? a के मल्टीपल में होना चाहिए, राइट? देखो a डिवाइड्स b, हम ऐसा बोल रहे हैं. तो a b को डिवाइड कब कर सकता है? जब हमारा b a के मल्टीपल में होना चाहिए. कैसे ना? देखो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि 4 हमारा 2 के मल्टीपल में है, 2 2 जा. सो a से हम b को डिवाइड कब कर सकते हैं? जब b हमारा a के मल्टीपल. सिमिलरली हियर b डिवाइड c इफ c इज मल्टीपल ऑफ b. ठीक है, यहाँ m लिया है, यहाँ n ले लेते हैं. वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है? देयरफॉर c इज इक्वल टू b. मैंने कंसीडर किया है b की वैल्यू क्या है? a m इनटू n. सो देयरफॉर c इज इक्वल टू a इनटू m n. Therefore C is equal to A into L. ये जो ML number है ना, इसके लिए मैंने L consider कर लिया है. अब आप देख सकते हो C A के multiple है. इसका meaning क्या है? C देखो ना, A into L, L is a number where L is equal to MN and which is natural number. तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है C is a multiple of A. तो इसका क्या meaning हुआ? Therefore A
इसका मतलब a से हम डिवाइड कर सकते हैं c को, वही तो हमें मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a रिलेटेड टू c, एंड देखो a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, वी गेट a रिलेटेड टू c, तो इसका मतलब हुआ r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन एंड हेंस B related to C means क्या? B
हमने ओके, बट मैं आपको यह बोलना चाह रही हूँ ए इज नॉट रिलेटेड टू सी. क्यों मैम? मुझे बताओ, अगर ए रिलेटेड टू सी दिखाना है तो इसका मतलब एक तो ए इज इक्वल टू सी दिखाना होगा हमें, या फिर ए इज इक्वल टू थ्री सी दिखाना होगा. रीजन देते हैं ए इज नॉट इक्वल टू सी, दोनों इक्वल है क्या? अपनी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. सेकेंड ए इज इक्वल टू थ्री सी, देखो ए अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वल है क्या? नहीं. सो ए इज नॉट इक्वल टू थ्री सी, तो पहला भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकेंड भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, एंड दिस मीन्स आर इज व्हाट? नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस इज आवर सॉल्यूशन. Since R is equal to collection of all order pairs AB such that A is a sister of B, A is a sister of B, और क्या दिया है? And AB belongs to G, where G is a set of equals. Let A, B, C belongs to G. हमें दिया क्या गया है? A is a sister of B. Means ये एक girl है, ये एक girl है. और दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? Sister. अगर ऐसा है तो वो order pair हमारे relation में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. देखो मैं directly लिख रही हूँ A is not related. क्यों? Because no girl is her own sister. एक बार बताओ, मैं ही खुद की सिस्टर हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं? आप ऐसा तो बोल रहे हैं क्योंकि हमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं चेक करना है. तो रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट दोनों उस रिलेशन में आने चाहिए. लेकिन दोनों, यह रिलेशन क्या है? ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मींस ये इसकी सिस्टर है. अब मुझे बताओ, मैं खुद की भी सिस्टर हो सकती हूँ? नहीं. दैट्स व्हाई ए इज नॉट रिलेटेड, बिकॉज नो गर्ल इज हर ओन सिस्टर. कोई भी लड़की खुद की सिस्टर नहीं हो सकती. दिस मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है. नाउ सेकंड वन, लेट ए रिलेटेड टू बी, मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी. अगर ए बी की सिस्टर है तो इसका मतलब बी भी ए की क्या हुई? सिस्टर. देयरफॉर बी इज So, sister of A. इसका मतलब क्या हुआ? B related to A. For all A, B belongs to G. Okay? So, A related to B हमने लिया था, B related to A हमने दिखाया. इसका मतलब हमारा relation क्या है? R is related. ठीक है? Now, third. Let A related to B and B related to C. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, A is sister of B and B is sister of C. A B की sister है, B C की sister है. हम directly यहाँ बोल सकते हैं A is also sister of C. इसका मतलब क्या हुआ? A related to C. For all A and C belongs to G. A related to B, B related to C gives A related to C. Means R is a transitive relation. R is transitive. Next is. Kya hai? Since R is equal to collection of all ordered pairs AB such that line A is perpendicular, perpendicular का symbol है. Line A is perpendicular to line B in a plane. ठीक है. So ये condition यहाँ important है. A ये line है, B ये भी line है, और ये एक दूसरे को कैसे होनी चाहिए? Perpendicular. ठीक है. तो सबसे पहले मैं directly लिख रही हूँ A is not related to. लेकिन मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? For any line, सभी लाइन के लिए रिजल्ट होल्ड होता है. A is not related to A. क्यों? Because no line is
कैसा होता है, अगर ये एक लाइन है तो ये दूसरी लाइन से कर ऐसा होता है। तो अगर एक ही लाइन है तो वो खुद को परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, दैट्स व्हाट ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, एंड देयरफॉर आर ई व्हाट नॉट रिफ्लेक्सिबल। ठीक है, सेकंड लेट ए रिलेटेड टू बी, ये हमने कंसीडर किया। इसका मतलब क्या है? लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ने ए को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर लाइन बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ए। बी ए को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल लाइंस ए एंड बी, एंड देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंड नाउ थर्ड वन, लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, मींस ए परपेंडिकुलर टू बी एंड बी परपेंडिकुलर टू सी। सिर्फ ऐसा भी सिंपल नहीं कर सकते, ए बी को परपेंडिकुलर है, बी सी को परपेंडिकुलर है, तो ए एंड सी परपेंडिकुलर होगी या नहीं? देखो, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी को कैसे है? परपेंडिकुलर। एंड बी सी को कैसे है? परपेंडिकुलर। आप ऐसा देखो तो बी सी को परपेंडिकुलर है, तो ए एंड सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी या नहीं? आपको क्या दिख रहा है? यस, ए एंड सी आर पैरेलल। हियर A is parallel to C, लेकिन हमें कैसा चाहिए? Perpendicular। तो इसका मतलब क्या हुआ? A is not related to C, and therefore R is not traced। ठीक है? Since R is equal to collection of all ordered pairs AB, such that A and B are real numbers। एंड ये कंडीशन यहाँ इम्पोर्टेंट है। ए कैसा होना चाहिए? लेस देन बी, मींस फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, ऐसा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सी, इसमें डायरेक्टली लिख रही हूँ, ए इज नॉट रिलेटेड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे सभी रियल नंबर्स के। ऐसा क्यों लिखा दे रही आपने? बिकॉज मुझे बताओ, ए लेस देन ए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? वन लेस देन वन, टू लेस देन टू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वन इज इक्वल टू वन बोल सकते हैं, लेकिन वन लेस देन वन नहीं। सो ए इज नॉट लेस देन, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्स। ठीक है, सेकेंड लेट ए रिलेटेड टू बी, ये हमने कंसिडर किया। इसका मतलब क्या हुआ? ए कैसा है? लेस देन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, ए छोटा लेते हैं एंड बी बड़ा लेते हैं, तो ए लेस देन बी है तो ए रिलेटेड टू बी, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ऐसा क्यों लिखा? बी रिलेटेड टू ए, अगर ऐसा हमें दिखाना, देखो यहां लिख रहे हैं, बी रिलेटेड टू ए मींस हमें क्या दिखाना होगा? बी लेस देन ए दिखाना होगा, और यहां आप देख सकते हो बी लेस देन ए है या नहीं, एंड आप देखो बी इज नॉट लेस देन ए, बी बड़ा है ए छोटा है, ओके, बी लेस नहीं है ना, तो हमें तो लेस ही दिखाना है। अगर लेस होगा तभी हम बोल सकते हैं बी रिलेटेड टू ए, बट आप बोल सकते हैं क्या? नहीं, दैट्स व्हाई बी इज नॉट रिलेटेड टू, एंड देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देन लास्ट थर्ड, लेट A related to B and B related to C, इसका मतलब क्या है? A less than B and B less than C, देखो A B से less है, B C से less है, इसका मतलब A less than B less than C, हम ऐसा लिख सकते हैं, and directly यहाँ से हम लिख सकते हैं A less than C for all A and C belongs to R, ऐसे सभी real numbers के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? To C, and that's why R is transitive। ठीक है, collection of all ordered pairs AB such that
a and b are real numbers and a less equal b. Means first component ये less equal होना चाहिए second component के cube से. ये क्या होता है first component ये second component. तो first component less equal second component का cube ये होना चाहिए. ये हमारे relation की condition है. ठीक है देखो अगर हमें a related to a दिखाना है, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा? a less equal a cube ऐसा दिखाना. Means एक तो a is equal to a cube, a is equal to a cube ये दिखाना होगा, या फिर a less than a cube ये हमें दिखाना होगा. To show ये हमें दिखाना होगा. अगर हमें a related to a दिखाना है, लेकिन ये hold नहीं हो रहा है ये condition. कैसे? Example देखो. Example let a is equal to minus 2. अगर मैं a का cube ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? Minus है. First मुझे बताओ a is not equal to a. a is equal to a cube है क्या? नहीं. And second condition देखो क्या देखना है हमें? a less than a cube है यानी a क्या है? Minus 2. less than a cube क्या है? Minus a. ये है क्या? यहाँ ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन हमें उल्टा मिला. देखो माइनस टू लेस देन माइनस एट ये पॉसिबल है क्या? नहीं. सो माइनस टू इज नॉट लेस देन माइनस एट. तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये भी नहीं. इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्स. ओके सेकंड लेट ए रिलेटेड टू बी. ए रिलेटेड टू बी मींस ये हमें क्या देता है? a less equal क्या है? b. ठीक है. To show b related to a, अगर हमें b related to a दिखाना होगा, तो to show b related to a, we have to show that क्या दिखाना होगा? फिर हमें b less equal a ये दिखाना होगा. देखते हैं. Let a is equal to 1 and b is equal to 2. ठीक है. a क्यूब क्या होता है? 1 ही आएगा. एंड b क्यूब क्या होगा? 8. ठीक है. फर्स्ट देख लेते हैं a less equal b क्यूब है यानी a means 1. यहां पर अलग करके लिखा है less equal b क्यूब means 8. तो 1 less than 8 है, तो इसका मतलब a रिलेटेड टू b एग्जैक्टली. अब हमें दिखाना है b रिलेटेड टू a, मींस चेक करना है. तो हमें देखना है b less equal a क्यूब है या नहीं. तो देखो b b की वैल्यू क्या है? 2. less than a cube क्या है? 1. देखो 2 less than 1 ऐसा आया है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? 2 तो बड़ा है ना, तो फिर 2 is not less than 1. ओके. एंड इक्वल टू नहीं है. 2 is equal to 1 ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं. सो 2 is not less equal 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? b is not related to a. ओके. क्योंकि हमें एक्चुअली यहां दिखाना था 2 less equal 1. मींस ये b less equal a cube, लेकिन है क्या? नहीं. तो इसका मतलब b is not related to a, and this means r is not symmetric. थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इजी समझ जाओ. लेट a related to b and b related to c. एक छोटा सा रिवीजन हम देख लेते हैं सेट्स एंड रिलेशंस में हमने क्या देखा. ठीक है. देखो सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशंस ये हमारा चैप्टर का है. ओके. इसमें दो पार्ट्स है, एक है सेट्स, दूसरा है रिलेशंस. ठीक है. सेट के बारे में देखते हैं. पहले हमने सेट की दो मेथड्स लिखी, फर्स्ट रोस्टर मेथड एंड सेकंड सेट बिल्डर मेथड टू रिप्रेजेंट. ओके. उसके बाद हमने देखा types of sets and then operations on sets. कौन से operations देखे हमने? union, intersection, a minus b, b minus a complement. okay. इसमें u भी था, universal set. okay. तो सभी operations हमने देखे. उसके बाद number of elements in set a means cardinality देखी, cardinality की properties देखी, बस set का और exercise देखा. relation में क्या देखा?
रिलेशन है, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इसके पहले हमने देखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखी है, ठीक है। उसमें रिलेशन देखा हमने, बाइनरी रिलेशन क्या होता है ये देखा है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स देखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो ये सभी टर्म्स हमने देखी सेट्स एंड रिलेशंस में। सो सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पेपर फर्स्ट, व्हिच इज एंगल।